गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे इज़ नेक्स्ट पॉइंट एडेप्टेशन इन टोकन। जो टोकन एक वर्ड होता है जिसकी काफ़ी एक बड़ी लंबी बिक होती है, चोंच होती है, इसके एडेप्टेशन क्या है जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। द टोकन बर्ड हैज़ ए लॉन्ग कलरफुल बिक फाउंड मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी। मतलब कहने का मीन्स है, इस जो पक्षी की जो बॉडी है, बॉडी की लेंथ की लगभग हाफ इसकी क्या होती है, बिक की लेंथ होती है, जो कि कलरफुल बिक होती है, चोंच होती है। द लॉन्ग बिक हेल्प एट टोकन टू रीच द फ्रूट ऑन सच ब्रांच दैट्स आर टू वीक। और इस लंबी बिक का ये यूज किस में करता है, इसके हेल्पफुल होती है जो इसकी किसी भी पेड़ की ब्रांच पे बैठता है जो काफ़ी कमज़ोर होती है, तो कमज़ोर ब्रांच पे दूर से ही फ्रूट्स को ये क्या कर लेता है, अपनी बिक की हेल्प से, चोंच की हेल्प से कैच कर लेता है। ठीक है, तो इसके ये क्या है, बेनिफिशियल के फॉर्म में इसको यूज में लेता है इस बिक को। तो ये कुछ एडेप्टेशन थे टोकन में। एक बर्ड होती है कलरफुल बर्ड, इसकी पिक्चर आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ है एडेप्टेशन इन लॉयन टेल्ड मकेक। लॉयन टेल्ड मकेक इसलिए कहते हैं, इसको एक टाइप का बंदर होता है, जैसे लॉयन होता है, मेल लॉयन के अयाल्स होते हैं, बाल होते हैं, हेयर होते हैं सर के ऊपर, और जैसे उसकी टेल होती है उस टाइप की पूंछ भी होती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, लॉयन टेल्ड मकेक। द लॉयन टेल्ड मकेक मंकी हैज़ सिल्वर वाइट मेन या हेयर। तो इसके जैसे लॉयन के अयाल होते हैं, सर के ऊपर बाल होते हैं बड़े बड़े, उस टाइप से इसके भी सिल्वर कलर के हेयर होते हैं। लाइक ए लॉयन फाउंड सराउंडेड द हेड, जैसे कि लॉयन के चारों तरफ हेड के सराउंडेड पार्ट पे ये हेयर मिलते हैं, उस टाइप से इसमें सिल्वर कलर के हेयर मिलते हैं। इसके अलावा लॉयन जैसी ही इसके क्या मिलती है, एक लंबी सी टेल मिलती है, पूंछ मिलती है, इस वजह से इसको लॉयन टेल मकेक कहते हैं। नेक्स्ट एडेप्टेशन है इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स। और ये जो फीडिंग लेता है, न्यूट्रिशन लेता है फ्रूट से, सीड से, यंग लीफ से, जिनको बर्ड्स कहते हैं कोपल, स्टेम, फ्लावर, इनको खा के क्या करता है, ये फीडिंग लेता है, न्यूट्रिशंस लेता है। इट आल्सो ईट्स इंसेक्ट फाउंड अंडर द बार्क ऑन द ट्रीज। इसके अलावा ये ट्रीज की जो बार्क होती है, छाल होती है, उसके अंदर इंसेक्ट्स होते हैं, उनको खा के भी क्या करता है, न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करता है। मंकी आर वेल अडॉप्टेड टू लाइव ऑन द ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो बंदर होते हैं, मकैक्स होते हैं, ये वेल अडॉप्टेड रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के हिसाब से। ठीक है, देयर हैंड्स एंड फीट, इनके हाथ और पैर जो होते हैं, आर सच दैट कैन ईजिली होल्ड ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। ये होल्ड करने में, कैच करने में, पकड़ने में, ये क्या होते हैं, ब्रांचेज को, छोटी बड़ी ब्रांचेज को, उसके लिए इनके हाथ और पैर अडेप्टेड रहते हैं। ये कुछ अडेप्टेशन थे जो कि अपन ने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और पोलर रीजन्स में देखे। पोलर रीजन्स में पोलर बियर और पेंगुइन में, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अपन ने लॉयन टेल्ड मकेक है, टोकन है, रेड आइड फ्रॉग था, बिग कैट्स थी, एलिफेंट्स थे, ये इस एरिया में मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो इनमें ये फीचर्स होते हैं जो कि इसको उस मीडियम में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट देखेंगे, माइग्रेशन। ठीक है, इसमें अपन साइबेरियन क्रेन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि भरतपुर के नेशनल पार्क है, घना पक्षी विहार, वहाँ ईयरली आते हैं, जिस नेचर को क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।